अरे यार दीवान जी, मेरी रील में आके तुम क्यों रोड़ा अटका रहे हो? अरे क्यों बकवास कर रहा, मेरे आने तो रोड़ा अटक रहा, तेरी रील की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं तो नहीं सोच रहा था, मैं भी ठल्ली बैठा हूँ, मैं भी कुछ मेहनत कर लूं। यू बात तो आप सही कह रहे हो दीवान जी। यूपी की सरकार ने क्राइम पे इतना कंट्रोल कर दिया है, यूपी की पुलिस और ठाली बैठी है। अपराधियों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हुई पड़ी है, ना तो कोई चोरी कर रहा, ना लूटपाट कर रहा, ना डकैती कर रहा, ना अपहरण कर रहा। अजी यूपी में अब तो कत्ल भी बंद हो गए और रेप की घटना भी ना हो रही, गुंडों की गाड़ी रोज पलट रही है। और तो और, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं आ रही। मुझे तो लगे है कि देश में रामराज आ गया दिखे। अजी रामराज तो आ गया, पर न्यू तो बताओ हमारे दरोगा जी कहाँ हैं? पता नहीं यार आज कहाँ रह गए, आए नहीं, लेट हो गए। अरे भाई साहब, मैं तो घना गरीब दरोगा हूँ, मेरे पास नहीं तुम्हें कुछ भी देने को, मुझे जान दो। दरोगा जी, हम आपके पीछे कई दिनों से लग रहे हैं, रोज चकमा दे के निकल जाते हो आप, आज आए हो आप हमारे शिकंजे में। दरोगा जी आज आए हो कब्जे में, आज तो तुम्हें हम लपेट के रहेंगे। अरे भाई मेरे से हाथ जुड़वा लो, मेरे से कम कानून से तो डरो, मुझे जान दो, मेरी चौकी मेरी बाट देख रही है। नहीं दरोगा जी, आज हम तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। भला हाथ आए शिकार को कैसे जान दे। अरे मका मान जाओ, मेरा नाम है सुनील राठी, चौकी में ले जाके थारे दोनों का दे दो गोड़ा लाठी। दरोगा जी आज तुम हमें गोड़ा लाठी दो या और कोई सी लाठी दो, हम तुम्हें छोड़ने के नहीं। आज दरोगा जी हम थारा बीमा कर गए मानने के। अरे मुझे नहीं करवाना बीमा सीमा, मैं तो बिना बीमे के ठीक हूँ, मेरी सैलरी से मेरे घर के खर्चे तो पूरे होते ना, और बीमे की किस्त कहाँ से भरूँ मैं? बीमे की किस्त ऊपर की कमाई से भरी हो। अरे भाई ये ऊपर की कमाई पिछली सरकार में हो करे थी, योगी जी की सरकार में कोई भी सिपाही किसी भी आदमी से एक बीड़ी की रिश्वत भी नहीं ले सकता। ओहो मारे दरोगा जी बिल्कुल फटीचर निकले, इनके पास ना धनिया भी, इनका बीमा करके क्या करे। दरोगा जी आप मोज लो, हम किसी और मुर्गे को पकड़ेंगे, आओ भाई। हाँ भाई बुधराम जी। हाँ जी। ठाली पड़े अंताक्षरी खेल रहे और क्या? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। तो मैं शुरू करूं तुम शुरू करो? मैं करूंगा जी। चलो करो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। यस गाओ जी। यस है? हाँ। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भैंसे गाओ मैडम। भैंसे ना, मैं तो कासे गाऊंगी। नहीं जी भैंसे आया आपका, भैंसे गाओगी? ना मैं कासे गाऊंगी, मुझे ना था भैंसे। कासे क्यों गाओगी, भैंसे गाओ। गाओगी। रुको रुको सोचने दो। भीगे होठ तेरे साथ गाओ साथ। प्यासा दिल मेरा लगे अब्र सा, मुझे तन तेरा कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। हो 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 हो। जैन सर, अबे तो मैं अंताक्षरी गाने के सरकार पैसे दे वे। वाह
सर जी ऐसा था, हम थाली बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए हमने सोचे अंताक्षरी खेल ले। अब तुम भी यहाँ नहीं थे, थरी गेली मजाक ठट्टा कर लेते। पर तुम न्यू तो बताओ, आज लेट कैसे हो गए? अरे यार, आ तो मैं टाइम से ही जाता। आज मेरी गल तो गड़बड़ होगी। एक तो मेरी बाइक में पिंचर हो गया और ऊपर से मुझे जीवन बीमा वालों ने घेर लिया, इसलिए मैं लेट हो गया। जी सर जी, आपके खातिर चाय मंगवाओ। हाँ चाय मंगवाओ, मलाई मरवा के। जनाब, चाय वाले ने चाय देने को मना कर दी। यूं क्या लगा, पहले पिछला हिसाब करो जब दुआ है। बताओ भाई, पुलिस वाले से चाय वाले भी न डर रहे। खैर छोड़ो। शांति, तुम मेरे साथ राउंड पे चलोगी, और होशियार चंद जी तुम वाहन चेकिंग पर जाओगे, और बुधराम जी सर तुम यहाँ चौकी संभालो, और पहले अपनी टोपी संभालो। यू कैसे गिर गई, यू भी नहीं थम रही। साहब ये लो आपकी बाइक की चाबी। अच्छा, कितने रुपए हो गए? अरे साहब, आपसे क्या पैसे लेने। अरे नहीं भाई, मैं किसी के पैसे नहीं रखता। बता कितने हो गए? दे नहीं चाह रहे तो 50 रुपए दे दो। अच्छा चल, तू ले 100 रुपए रख। शुक्रिया साहब, आपके बच्चे जो है बने रहे। देख शांति, मैंने इसे 50 रुपए फालतू दिए, इसने मुझे कितनी दुआ दी। कुछ पुलिस वाले इन गरीबों से बददुआ ले हैं, जब ही तो उनके लंगड़े लुल्ले बालक पैदा हुए हैं। हाँ ये ठीक कह रहे हो सर। बेटे मजे तो साहब जी ले रहे। राम राम। राम राम, ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक हूँ। लाओ ताऊ एक बीड़ी पिला दो। भैया दे दिया सा बीड़ी। ले भाई। ताऊ ये सिंगावली वाला जुगाड़ कितनी देर में होगा? जुगाड़ तो गया गया। और अच्छा जी, कितनी देर में होगा ताऊ ये? अब तो आध घंटे में आवेगा। आध घंटे में आओगा तो मैं पैदल ही ना चला जाऊंगा ताऊ। है पैदल चला जाएगा वो बढ़िया, पेट का हाजमा भी हो जाएगा और तेरे 2-4 रुपए भी बचेंगे। हाँ तो ताऊ मैं पैदल ही चला जाऊंगा फिर। अच्छा ताऊ, राम राम। राम राम। ले यू ले। और सुना बल अल्लाह, तेरी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ ताऊ, पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। बढ़िया बा बढ़िया, चोखा तेरा नंबर आ जा। ठीक है। अरे यूके, यू तो कोई, अरे यू थैली सी यहीं छोड़ गया। अलग तो उसकी रही, देखो ताऊ खोल के इसमें क्या है। ना ना ना, इसे ना खोलिए। लावारिस वस्तु है, बम हो सके। ओ मंदिर में मामा भाई। अरे क्या बात है, क्यों मजमा लगा रखा है यहाँ? बम किसने रखा है ये बम? मैडम, एक भूंडी सिकल का आदमी आया था, उधर गया। तुम इस बम का जल्दी इंतजाम करो, कभी यू फट जाए यहाँ नुकसान हो जाए। अरे तुम घबराओ मत, हम इस बम को फटने से पहले निष्क्रिय कर देंगे। तुम सब नीचे बैठ जाओ। हे वीरंगना महिला सिपाही, तुझे भारत माता पुकार रही है, हिम्मत करके आगे बढ़ और इस बम को निष्क्रिय कर दे। अरे सर जी, मैं तो रिश्वत देके पुलिस में भर्ती हुई हूँ, आप तो पढ़ लिख कर दरोगा बने हो। मेरे बस की बात नहीं है, इसे तो आप ही संभालिए। शांति, तू अपने अफसर का कहा क्यों नहीं मानती? इस बम को निरस्त कर दे, मैं तुझे 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिलाऊंगा। वीरता पुरस्कार दिलाओगे या वीरगति पुरस्कार? दोनों एक साथ ही दुआ दुआ। शाबाश, आगे बढ़ और बम को निरस्त कर दे। अरे दरोगा जी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और आप क्यों मुझे शहीद करने पे तुले हो? आप ही करो ना ये काम। मेरा नाम है सुनील राठी, तू आज तक मेरे किसी काम को नहीं नाटी। या तो इस बम को कर दे बेकार, ना तो डिमोशन के लिए हो जा तैयार। तुम तो मुझे ही सूली पे चढ़ाओगे दरोगा जी। चलो देखी जाएगी। अरे भैया, अरे यू बम ना फटा है, यू तो मैंने पादा। अरे मेरे सुसरे बुढ़े,
एक तो इस बम ने मारी वैसी भूख सरकार रखी थी और ऊपर से तुम्हारा भी हार्ट फेल करवा देता। खोदा पहाड़ निकली चुईया। सर ये बम बता रहे हैं इसे, ये तो प्याज है प्याज। ओए चुप, बस सालो अफवाह फैला रहे हो, प्याज को बम बता रहे हो। अफवाह फैलाने के जुर्म में तुम सबको जेल भेज दूंगा। हमारी क्या गलती दरोगा जी, हम तो लावारिस वस्तु को बम समझ रहे थे। चलो उठो, चलो अपने घर जाओ सब। सब NRC नहीं चलेगी। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, भारत देश का वासी हूँ। अरे ओ मुल्ला जी, साले यहाँ रोड़े मचा के क्या आंदोलन कर रखा था ने? दंगा भड़का हुआ कॉलोनी में। साले चला जाए इससे, नहीं तो दही नाप दूंगा। दीवान जी, मेरा नाम है शेख चिल्ली, उड़ाओ ना मेरी खिल्ली। मैं जान दे दूंगा लेकिन NRC लागू नहीं होने दूंगा। कसम सबों के गुस्से की, मैं NRC के खिलाफ ऐसे ही आंदोलन करता रहूंगा। और आप ऐसे मत करो, मेरे साथ पूरा मुस्लिम समाज है। कहाँ है ये रे? अब कहाँ चले गए सारे के सारे सुअर के बच्चे? एक बार और है भाई, हमें तो न्यू बता, तुझे NRC से दिक्कत की है? NRC तो विदेशी घुसपैठियों के लिए है। दीवान जी, शेख चिल्ली को बेवकूफ बना रही हो? शेख चिल्ली बेवकूफ नहीं है, शेख चिल्ली सब जानता है NRC क्या है। अब एक काम करो, आप पतली गली में से निकल लो। आप जानते नहीं हो शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। अब तुम निकल लो पतली गली से, निकल लो। अच्छा रे, तू पुलिस को धमकी दे रहा? नहीं साले, चल चौकी, चल चल चौकी। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। चल लो, ए चल लो, चल लो। बैठ बैठ बाइक पे। साले तुझे मैं बनाऊंगा आंदोलनकारी। बैठ, नहीं बैठ, है बैठ रहा हूँ। हाये दरोगा की बढ़ गया डाका। ओए होए, कती गंडास्ता हो रही है। 2.5 किलो के ढूंगे मार रही, कभी मोबाइल में से निकल के हमारी गैल भी ढूंगा मार ले, ढूंगा मार ले। अरे क्या कर रहे हो बुधराम जी? अजी आओ आओ दीवान जी, आओ दीवान जी। कहाँ थे तुम? एक मुल्ला जी को पकड़ के लाया हूँ साले। वो कहाँ है? लोकअप में बंद कर दिया। साड़े की मार मार के गुद्दी लाल कर दी। कहाँ है मारे दरोगा जी? मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, आ जाओ बैठो। मैं यहाँ बैठने ना आई, दरोगा जी कहाँ है? दरोगा जी तो शांति के गेल राउंड मारने गए जी। शांति के साथ राउंड मारन? हाँ जी, राउंड मारने। मारे दरोगा जी जब शांति के गेल राउंड मारने जावे ना जी, तो कम से कम 3-4 राउंड मारे जी, इसीलिए 1-1.5 घंटा तो लगी जाएगा जी। होशियार चंद जी, मैडम को बात भी तो बताओ, जब मारे दरोगा जी शांति के साथ में 3-4 राउंड मार ले में, तो वे कितने थक जावे? फिर तो दरोगा जी का नींबू सा नहीं चढ़ जा, फिर तो उन्हें 2-3 गिलास जूस पियाना पड़े।
मैं तुम्हारे दरोगा जी की ना सारी हरकतें समझ रही हूँ। वो तुम दोनों में से भी तो किसी को लेके जा सके, पर उस प्याज की सी गांठ को ही लेके क्यों घूम रहे हैं? हाँ साली, यू बात आज तक हमारी समझ में ना आई। पर मैं समझ गई, आज इन्हें घर आन दो, इनके दिमाग का सारा वायरस निकाल दूंगी। अरे मेरी दारू, अरे खत्म होगी लसा भी पूरा लिया, मैं क्या करूं, किसकी मांगू मां कहूं। ए ठेके वालों, कोई तो मदद भेज दो, किसी को तो भेज दो। शांति, इस बिचारों घनी दिक्कत दिखे, जबी तो ये रो रहा। अरे दरोगा जी, यू बेवड़ा है, इसके चक्कर में ना पड़ो, थारे पल्ले पड़ जाएगा। देख मेरा नाम है सुनील राठी, मैंने हमेशा मजबूर और लाचारों की मुसीबत काटी, देख मुझे इसके रोने की पूछताछ तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, क्यों रो रहा तू? अरे मेरी प्यारी, मुझे तेरी घनी याद आ रही, जैसे झोटा न्यार के बिना नहीं जी सकता, बढ़िया कारोबार के बिना नहीं जी सकता, वैसे ही मैं तेरे प्यार के बिना नहीं जी सकता। ओ भाई, क्या आफत आ गई तुझे? तेरे पे किसी ने लट फेर दिया या किसी ने लूट लिया तुझे? क्या बात है बता। अजी दरोगा जी, मेरी गेल तो घना बुरा हो गया, अगर तुम मेरी कुछ मदद करो तो मैं बताऊं। भाई पुलिस तो जनता की सेवा करने को बनी है, क्या दिक्कत है तुझे बता, मैं करूंगा तेरी हेल्प। ऐसे नहीं बताऊंगा जी, मैं देवदास हूँ, अरे घड़ा उदास हूँ। पहले तुम मेरे पौवे के सिर पर हाथ धरकर कसम खाओ कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं खा रहा हूँ कसम, निमटा दूंगा तेरा गम, बता क्या परेशानी है। दरोगा जी, यो पौवा देखो, इसमें एक घूंट भी दारू नहीं है, मुझे दूसरा पौवा लाना, मेरे पे 20 रुपए की कमी पड़ रही, तुम मेरी हेल्प करो और 20 रुपए का एक नोट मुझे उधार दो। अरे तेरी बहन के टिकड़ में, मेरे ससुरे नशेड़ी, दारू के पैसे भी दरोगा से मांग रहा, साले या तो अपने घर चला जा, ना तो पब्लिक पैलेस में दारू पी के उत्पात मचाने के जुर्म में जेल भेज दूंगा। देखो दरोगा जी, आपने मेरे दारू के पौवे की कसम खाई है, हाँ, मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होने का। अरे तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? साले मेरा नाम है सुनील राठी, मैंने तेरे जैसे नशेड़ियों की बहुत दही काटी, जा अपने घर चला जा, ना तो जेल भेज दूंगा। अजी तुम मुझे 20 रुपए उधारे दे दो, फिर तुम जेल नहीं मुझे काला पानी भेज दियो। साले तू ऐसे नहीं मानने, रुक जा। मुर्गा बन। साले तू मेरा नाम नहीं जानता, बुधराम नाम है मेरा, साले मारते तित्तर बना दूंगा। अरे दीवान जी, मुर्गा तो आपने बनाई रखा है, अब तित्तर भी बनाओगे? ये बात तो बहुत गलत है, एक काम करो तुम मेरा मोर बना दो, मुझे मोर बनना बहुत पसंद है। चुप का मर जा। अरे ओ अकल के अंधे, NRC का विरोध करना बंद कर दे, हम तुझे छोड़ देंगे। और साले अगर दरोगा जी आ गए और उन्हें पता चल गया तू NRC का आंदोलन कर रहा, फिर तेरी खैर नहीं है मुल्ला जी। यही तो सारा झगड़ा है दीवान जी, हम मुसलमान लोग अगर NRC का विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे, और अगर NRC लागू होने देंगे तो पाकिस्तान जाएंगे। अब बताओ हम करें तो क्या करें, हमारी तो आ गई ना मुसीबत, अब आप ही बताओ, यहाँ भी डंडे खाने वहां भी डंडे खाने। जैन सर, जैन सर, अरे यू हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी कहां से पकड़ लाए? होशियार चंद, इसे हवाला तुम्हें करते बंद।
दरोगा जी यू आतंकवादी ना है, यू तो एनआरसी का विरोधी है। ओहो, यू तो देश का गद्दार है और देश को तोड़ने वाले ग्रुप का लीडर है, इसे तो खुराक देनी पड़ेगी। आजा भाई, आजा उरेकू। राम मर गया, राम मर गया। आ, आ, साले गद्दार। ओ मुल्ला जी, चल खड़ा हो, मुझे बता तुझे एनआरसी से क्या दिक्कत है। साहब, ये सरकार भारतीय नागरिक होने का सबूत मांग रही है। अब एक बात बताओ जनाब, मेरे दादा के मकान के कागज उनका बकरा खा गया, फिर उस बकरे को मेरे अब्बू खा गए, ऊपर से ना तो मेरे पास जन्म पत्री ना राशन कार्ड। अब आप ही बताइए मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। पता नहीं किन लोगों ने इनके दिमाग में एनआरसी का डर भर दिया, ये बिना सोचे ही सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। दरोगा साहब, हमें एनआरसी से डर नहीं लगता, कसम सबो के गुस्से की, शेख चिल्ली किसी से नहीं डरता। शेख चिल्ली तो बहुत खतरनाक आदमी है, ना मैं किसी भूत से डरता, ना मैं किसी कटखने कुत्ते से डरता, मुझे तो बस देश निकाले जाने से डर लगता है। अरे भाई शेख चिल्ली, किसी भी भारतीय नागरिक को एनआरसी और सीए से डरने की जरूरत नहीं है। ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। आई बात समझ में? अगर किसी नागरिक के कागजात गुम हो गए हैं तो वो सरकारी रिकॉर्ड में मिलेंगे। आ गई बात समझ में? ये बात साली मेरी समझ में क्यों नहीं आई, मैं तो खामखाई डर लिया था। अब ये खुशखबरी मैं जाके अपनी सबो को सुनाता हूँ, सबो मेरी जान में आ गया हूँ। अरे बुद्धराम जी साहब, अरे आज मेरी घरवाली खाना लेके ना आई के? साहब मैडम खाना तो लेके आई थी, लेकिन वे तो गुस्से में वापस लेके चली गई। है तेरे की, भाई मेरी घरवाली भी निराली है, पता ना उसे कदम उठ बदल जा। अब तो उसे मनाना पड़ेगा, फिल्म दिखा के लाना पड़ेगा। अरे यार सविता, जरा सी बात पर क्यों कर रही मेरा फजीता? चल जाते छो ना करे, आ मोटरसाइकिल बैठ, तुझे मूवी दिखा के लाऊं। मुझे ना देखनी मूवी, अपनी हवलदारनी को दिखा लो। अरे यार बात का बतंगड़ क्यों बना रही, मैं तेरा पति हूँ तो शांति क्यों दिखाऊंगा मूवी, उसे दिखाऊंगा उसका होने वाला पति। मैं जब भी चौकी जाती हूँ तुम मुझे कभी वहाँ नहीं मिलते, पूछती हूँ तो पता चलता है दरोगा जी तो शांति को लेके राउंड पे गए। ऐ तेरे की, अरे यार मैं पुलिस में दरोगा हूँ, अपने साथ अपनी असिस्टेंट को लेके राउंड लगाने में मेरी ड्यूटी है, इसमें क्या दिक्कत है बता। राउंड लगाने के लिए महिला को साथ ले जाना जरूरी है, चौकी में वो दो मुस्टंडे भी तो है, उन्हें क्यों ना ले जाते। अरे सविता क्यों कर रही मेरा फजीता, क्यों मुंह फुला के खड़ी होगी, आ जल्दी मोटरसाइकिल बैठ, तुझे फिल्म दिखा के लाऊं। सॉरी बाबा सॉरी, आगे से उन्हें ही ले जाऊंगा। अब तो खुश, आ जल्दी मोटरसाइकिल बैठ जा, देर होने लग रही, फिल्म लिखट जाओगी। चलो। हाँ जी। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? अरे इसकी बहन को मारूं, घरवाली मनाई तो बाइक रूसगी, इसमें भी आज ही होना था पिंचर। यू बाइक भी तुम्हारी तरह लुच्ची है, उस लंका शांति को बिठा के तू फरफर चले है, और मेरे बैठते ही इसमें पिंचर हो जा। अरे अब तू कहाँ चलती मुझे मुसीबत में छोड़ के? घर जा रही हूँ, मूवी की प्लानिंग तो हो गई, टैटे फिस। अरे सविता मेरी जान, तू क्यों हो रही परेशान, मैं तो बगैर मूवी दिखाए तेरा मूड फ्रेश कर दूंगा। हाय रे जाटनी, जाटनी मेरी जाटनी, मिठे मिठे बोल तेरे जैसे टपके चाशनी, मिठे मिठे बोल तेरे जैसे टपके चाशनी। अरे परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी, जाटनी परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी। कर दिया काला जादू सा कोई दिखा के अपने ठाट तने, तीर चला के नैनो के यू मोह लिया भोला जाट तने, मोह लिया भोला
अरे कर दिया काला जादू सा कोई दिखा के अपने ठाट तने तीर चला के नैनू के यू मोह लिया भोला जाट तने सारी जिंदगी तेरे साथ अब मने काटनी सारी जिंदगी तेरे साथ अब मने काटनी अरे परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी जाटनी परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी डूब गया दिल मेरा तेरी आंखों की गहराई में दिल हो गया बेचैन मेरा अब कैसे करूं समाई मैं मुश्किल हो रही इस दिल की मने झाल डाटनी अरे परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी जाटनी परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी करूं दुआ भगवान ते मारा साथ जन्म तक साथ रहे जुदा कोई हमें करना पावे हाथों में सदा हाथ रहे हाथों में सदा हाथ रहे करूं दुआ भगवान ते मारा जन्म जन्म तक साथ रहे जुदा कोई हमें करना पावे हाथों में सदा हाथ रहे गम हो चाहे खुशियां हमने मिलके बांटनी गम हो चाहे खुशियां हमने मिलके बांटनी अरे परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी जाटनी परियों ने भी फेल करे तू मेरी जाटनी अरे अब तो मान जा मेरी जान तो मैंने तुझे गाना भी सुना दिया अरे मान जा यार ऐसा ना कर दरोगा जी सपने में अपनी वाइफ को मना रहे हैं सपने में भी अपनी घरवाली को मनाने का कोई फायदा नहीं इन्हें तो घरों भी जाकर मनानी पड़ेगी यूं तो इनकी रोज की ड्यूटी है तुम जगाओ मैडम दरोगा जी सुनी ना रे दरोगा जी सुनी ना रे ये तो है तुम मानगी मेरी जान आजा मेरी बाहों में आजा दरोगा जी क्या कर रहे हैं छोड़िए मुझे हटो दरोगा जी क्या कर रहे हो आप अरे होशियार चंद यार मैं तो अपने घरवाली के रोमांस कर रहा था यूं शांति बीच में कहां से आ गई आप सपना देख रहे थे दरोगा जी आप तो सपने में आज शांति गेल और ठम कर देते दरोगा जी ये तो पता नहीं बिचारी के किसका लिया दिया आगे आगे जो जान बच गई इसके आज अरे शांति तू नहीं जानती मेरी वाइफ घनी गुस्सी ली है एक मिनट में पारा हाई हो जा उसका फिर उसे मनाना पड़े बस चक्कर में तेरी गैलियों गड़बड़ सी होगी कोई बात नहीं साहब जी कोई बात नहीं ऐसी गड़बड़ी में तो मुझे भी मजा आवे और ऐसी गड़बड़ी होती रहनी चाहिए है क्या कुछ नहीं मैंने कहा ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए साहब जी तुम दोनों यहीं रुको मैं दरोगा जी से मिलकर आ रहा हूं ठीक है जी दरोगा जी जय राम जी की बैठो बोलो क्या समस्या है अजी एक छोटी सी समस्या है मार दो पर मुझे विश्वास है तुम उसका समाधान जरूर कर दोगे भाई मेरा नाम है सुनील राठी मन ने बड़ी बड़ी समस्याओं की जड़ काटी
तेरी क्या समस्या है बता। दरोगा जी आपको तो पता ही है मेरे देसी शराब के चार ठेके हैं और महंगाई के कारण कमाई धमाई कुछ होती नहीं, इसलिए कमाई करने के लिए मैंने एक जुगाड़बाजी सोची है। कैसी जुगाड़बाजी? अजी ऐसी जुगाड़बाजी जिससे हमें भी दाल रोटी मिल जा और थारा भी चाय पानी का खर्चा निकट जा। अजी सुद्धम सूद बात यू है कि मैं हरियाणा से शराब की तस्करी करूंगा और अपने ठेकों पर बिकवाऊंगा और उसमें जो भी कमाई होगी आधी थारी आधी मारी। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई ब्रजपाल, चौकी में आके पुलिस से दो नंबर के धंधे की बात कर रहा। अजी चोर और पुलिस तो मोसेरे भाई हूँ, पर ये लो आपकी चाय पानी और मेरा काम धड़ल्ले से चलाना तो 10 लाख रुपए महीना की सेवा होती रहेगी। तू सोच रहा है कि मैं तेरे से रिश्वत लेके तुझे नकली दारू का धंधा करने दूंगा, तो तू सही सोच रहा है। दारू तो सुसरी असली भी नुकसान ही देवे, अगर लोग बाग नकली दारू पी लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाओगा, जनसंख्या ही कम होगी देश की। करो खुलकर दारू का धंधा। ठीक है तो दरोगा जी मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। भाई सरकारी तनख्वाह में गाड़ी तो खरीदनी जानेगी, अगर अच्छी गाड़ी खरीदनी है तो ऊपर की कमाई तो करनी पड़ेगी। ए दीवान जी थारे कान में तो घना ही अड़ंगा भर रहा, इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी, डबल पैसे लूंगा। अरे उल्लू के पट्टे, पुलिस पैसे लेती है देती नहीं। दीवान जी अभी तो मेरी भूनी भी ना हुई, तब मेरी पहले ही दाढ़ी मारना चाह रहे, कुछ तो देना पड़ेगा। अरे साले एक तो अपने इलाके में तुझे बिना लाइसेंस घूक का डर दे रहा हूँ, ऊपर तो तू मेरे से पैसे मांग रहा, तेरा साले चलान काट दूंगा। देखो मुंशी जी दवाई ऐसी गेर दूंगा नाम ना रहे चीज का, और कान सपा होता ही नोट लूंगा 20 का। एक बात सुन ले साले, अगर तन्ने मेरा कान सही साफ नहीं करा तो तेरे पिछवाड़े में लाठी दे के जुगाड़ जोड़ दूंगा खीस का। अजी नहीं मुंशी जी ऐसी नौबत ना आने की है, लाओ तुम कान दिखाओ। अरे कल्लू। हाँ जी। एक बात बता। बुझो। यू कान सफाई के काम से तेरे घर का खर्चा चल जा। अजी कहाँ मुंशी जी, इससे तो मेरी बीड़ी माचिस का खर्चा चले। फिर कैसे चलावे घर का खर्चा? अजी महीने में 1-2 करड़े बछड़े चुरा के बेच दूं। कल्लू कान छोड़ी एक बार, तेरी बहन का कलवा मारूं। अजी बाबूजी मर गया, अजी मर गया, आया 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 आया, अजी मर गया, तोड़ दिया, आया आया आया। मेरे ससुरे कटड़ा चोर, तू ये वो मुजरिम जिसे 6 थानों की पुलिस ढूंढती फिर रही। अजी मर गया, छोड़ दो, अजी मर गया, यार मर गया, आया आया आया। अरे बुधरा जी सर। अरे कौन है, क्यों करे उसके साथ मार पिटाई? साहब यू सड़ा कटड़ा चोर है, इसे मन्ने अपनी जान पे खेल के गिरफ्तार करा। अजी साहब मैं तो कल्लू कन में लिया हूँ, चोर ना हूँ, आई तोड़ दिया। पकड़े जाने पर हर अपराधी यही बोलता है। अरे बुधराम। जी सर। इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो। चल साले हवालात में। अजी मुझे हवालात में क्यों डाल रहे हो? साले तेरी लात मार मार का हवाली काटूंगा हवालात में। सुनो तो सही। चल बहनचोद। बेटे राठी आज जागी तेरी दही काटी, सविता मैडम फूलन देवी बनी बैठी है, आज तो इसे मनाने में पूरा हंगा लगाना पड़ेगा, चलो जो होगा देखा जाएगा। अरे मेरी जान सविता, आज तने गालों का कैसे बना रखा पिचका वो पपीता? उस शांति की गैल राउंड मार के घनी थकावट होगी होगी।
लाओ तुम्हारी थकावट उतार दूं। अरे 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 मारेगी के? अरे लगी। अरे 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 रुक जा मेरी जान, पुलिस पे हमला मत करे, नहीं तो तेरे पे धारा 324 लग जाओगी, तू जेल चली जाओगी, तेरी बेल भी ना होवे। धारा 302 भी लग जाए तो भी मुझे परवाह नहीं, पर आज तुम्हें उस गंठों के गैल घूमना बुला दूंगी। अरे मेरी गैल हवलदारनी के घूमने से तुझे के दिक्कत है मेरे लड़ाकू विमान? जलन होवे मेरे, आग लगे मेरी छाती में जब तुम पराई औरत की गैल घूमो। चौकी में जैन सिपाही भी हैं, उनकी गैल क्यों न जाते राउंड मारने? गलती होगी सरकार, आज्ञा से तुझे शिकायत का मौका न दूं। चल अब गुस्सा छोड़ और हंस के दिखा। अरे मेरे ईद के चांद, आजा मेरी छाती के लग जा। वादा कर लिया गोरी मन तेरा साथ निभाने का, चाहे कयामत आ जावे कदे नहीं छोड़ के जाने का। ओ कद झुमका बन जा काना का, कद पायल में बन जाऊं, कद झुमका बन जा काना का, कद पायल में बन जाऊं, कद झुमका बन जा काना का, कद पायल में बन जाऊं। हो ला 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 ला। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, प्रमोशन होने वाला है क्या? अरे प्रमोशन ना हो रहा, घर में चार पहियों की गाड़ी आने वाली है। अजी हाँ, ढंग का एक मोबाइल तो दिलाया नहीं गया मुझे, फिर चार पहिये की गाड़ी कहाँ से लाओगे? एक मिनट रुक, देख आज मैंने पूरे 1,00,000 रुपए कमाए। इतने सारे पैसे कहाँ से कमाए आपने? अरे गुंडा है वो ना, हरियाणा से दारू लावे। अजी चोर और पुलिस तो मोसेरे भाई हो, और ये लो आपकी चाय पानी, और मेरा काम धड़ल्ले से चलाना तो 10,00,000 रुपए महीना की सेवा होती रहेगी, और 9,00,000 रुपए वो महीने के एंड में दे होगा। भाड़ में जाए यू कमाई, हमें ना चाहिए यू हराम की कमाई। इन पैसों को उसी के मुंह पे मारो जिससे लेके आए हो। अरे तू बावड़ी होगी के? के दिक्कत है इस कमाई में? पहली बात तो ये कि रिश्वत लेना ही पाप है, दूसरी बात आप शराब बिकवाने में उसकी मदद करोगे तो कानून के अपराधी बनोगे, लोग उस शराब को पी के मरेंगे तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तेरी बातों से तो मुझे यूं लग रहा तू मुझे ऊपर के 2 रुपए कमांड नहीं देगी। मुझे रिश्वत की कमाई पे ऐश ना करनी, मैं तो आपकी मेहनत की सैलरी में ही खुश हूँ। अब ताली क्यों बजा रहे हो? तन्ने आज मेरा दिल जीत लिया सविता, तेरे विचार जान के आज मुझे घनी खुशी होगी। पर तुमने तो ये रिश्वत लेके मेरा दिल दुखा दिया था। तेरी भूल है सविता, दरोगा सुनील राठी का ईमान तो सारी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती। मन ने तो तेरा इम्तिहान लेने को रिश्वत लेने का यू ड्रामा खेल रहा था। अब तो तुम्हें पता चल गया मैं तुम्हारी सच्ची और ईमानदार वाइफ हूँ, तुम्हारी शान हूँ, तुम्हारी लाइफ हूँ। अरे मुझे तो पता चल गया, तुझे भी कल सांझ को पता चल जाओगा, मैं उस ब्रिजपाल की गैल कल के कांड करके आऊंगा। दूध पियो और चुपचाप सो जाओ। क्यों, मैं ही सोऊंगा, तू ना सोने की? सोऊंगी, पहले दूध तो पी लो। ठीक है। शान सकल का तू सुथरा घना, सो जाओ ना। सखी रे सहेली का तू चिकना घना। मारे गांव की चौकी का दरोगा भी अब हमारा पालतू बन गया है, अब तो हर महीने हड्डी डालो और खूब नकली शराब बेचो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भाई जी, हमारी इस दारू की तस्करी के चक्कर में उत्तरोगा रोड़ा बन सकया,
और उसे तुमने रास्ता हटा दिया। मारे भैया जी ना, बिना लाठी तोड़े सांप मार दे। रे तब मुझे बथुए के पेड़ पर तो चढ़ाओ मत ना, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। और कल किसी भी टाइम हमारा नकली शराब का टम्पू आओगा और उसे हाथ तो ही अपने ठेको पर ठिकाना लगा दो। भाई जी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तेरे पे मुझे पूरा भरोसा है, पर हमारे इस दो नंबर के धंधे में चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जल्दी इस दारू पार्टी को खत्म करो। चौकी जा रहे हो क्या? ना, चौकी जा रहा हूँ। हटाई मजाक, हटाई मजाक, हटाई मजाक। अरे मेरी प्यारी, गुट मार के मेरा क्यों एनकाउंटर करना चाह रही? ऐसी बुरी बात अपने मुंह से क्यों निकाल रहे हो? आपकी जान मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। हाय, तेरी इसी अदा ने तो मुझे गिरफ्तार कर रखा है। जाओ अब ड्यूटी जाओ, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ठीक है। अरे अब के भूलगी? मेरा बर्थडे याद है ना? हाँ हाँ बाबा याद है, टाइम से आ जाऊंगा। तू बर्थडे की सारी तैयारी करके रखियो। ठीक है ठीक है, ओके बाय। अब मैं जाऊँ। चल बाहर निकल, बाहर निकल। मारी क्यों मारी है? चल, अबे मेरी क्या गलती? चल यहाँ से। अबे क्यों बाहर निकाल लिया मुझे? चल यहाँ से। रो मेरी बात तो सुन ले मेरी सब्बो। चल दफा हो। रो रो मर, हट। रो मर गया। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, रो मार दिया, रो मार दिया, सब्बो मार दिया। रुक जा, आज तुझे बताते हैं तुझे। मर, आज बताऊंगी तुझे। नालायक बेवकूफ आदमी, तने मेरी जिंदगी झंड कर दी। छह बच्चे पहले कर दिए, इस आदमी के चक्कर में लगा हुआ है। बता। अबे क्यों दिमाग खराब कर रही है सब्बो की बच्ची? अबे औलाद तो अल्लाह की देन है, अगर मैंने 10-12 बच्चे पैदा नहीं किए तो मेरी बिरादरी मेरे मुंह पे नहीं थूकेगी। बिरादरी तो बाद में थूकेगी, पहले मैं तेरा मुंह तोड़ देती हूँ। मैं मार रही है साली। अबे उल्लू की पट्टी, बेवकूफ माटी मिली औरत, कैसी बीवी है तू? ना तू मेरी इज्जत करती है, ना ही मेरी इच्छा पूरी करती है। अच्छा मैं इच्छाधारी नागिन हूँ जो तेरी इच्छा पूरी करूँ? अच्छा तू खिलाता नहीं, कमा के लाता नहीं, और तू चाहता मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ? साली तू शेख चिल्ली से डर नहीं रही है? मैं जानती नहीं है शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। अबे मैं कह रही हूँ डर जा। अबे डर जा नहीं तो साली अभी तुझे 3 तलाक दे दूंगा। अच्छा तो 3 तलाक देगा मुझे है? तुझे पता नहीं है कि मोदी जी ने कितना सख्त कानून बना रखा है? 3 तलाक देने वाले को 3 साल की जेल हो जावे, पता है? साली चाहे मुझे 3 साल की सजा हो जाए, चाहे मैं काला पानी चला जाऊं, लेकिन आज तुझे 3 तलाक दे के रहूंगा। अच्छा तो मुझे 3 तलाक देगा? हाँ। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे 3 तलाक देगा? चल हराम के बच्चे। तो साहब जी आपकी वाइफ ने रिश्वत का माल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो साहब आप इन पैसों का क्या करोगे? इन पैसों को उन शराब तस्करों को उल्टे दे दोगे? उल्टे देवे मेरा मुंह? इस हराम की कमाई को हराम के काम में खर्च करूंगा। मैं समझ गया, आप चोरी के माल को मोरी में सरकाओगे। होशियार चंद, ये पैसे उठा और बढ़िया सी दारू का इंतजाम कर। आज रात को फार्म हाउस पे दारू पार्टी करेंगे। अरे क्या बात है सर जी। अरे सर जी आपने तो दिल खुश कर दिया, आज तो मेरे शरीर की नसें खुल जाएंगी। डांस करे हुए भी बहुत दिन हो गए। अरे डिंग 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 डिंग। दारू पियो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने दे
पकड़ न पाओगे, बुढ़ापे में हाथ कांप जाओगे, बैग तुम पकड़ न पाओगे, बैग मारो भरी जवानी में, बुढ़ापा किस में देखा सै, कैसे जाऊंगी, मेरे तो पैर में मोच आ गई डांस करते करते। अरे शांति, तू की चिंता कर रही है, मैं तुझे गोद में उठा के ले चलूंगा गाड़ी तक। आ हाय दरोगा जी बढ़ गया डाका, अरे तेरी बहन गए। हाय दरोगा जी बढ़ गया डाका। ले भाई मैं तो फिर मर गया देखूं। अरे सविता, अरे यार ऐसा कुछ भी ना है, वो आज थोड़ा दारू पार्टी थी तो इस खुशी में दो बैग लगा लिए थे। मन्ने तुम्हें इस रांड को अपनी गोदी में उठाते हो अपनी आंखों से देखा है? अरे यार वो तो इसके पैर में मोच आ गई थी तो यू कह रही कि मुझे गाड़ी तक छोड़ दो, मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है तेरी कसम। एक बात बताऊ मैडम शांति, तुम्हारे चक्कर में ही हो रही है क्रांति, जो दरोगा जी परेशान हो रहे इस टाइम। और दरोगा जी की बहू के मन में तम नहीं करी भ्रांति। आओ चलो निपटारा करवाऊंगे इनका। चलो तुझे यकीन ना आता तो इन हवलदार से पूछ ले। मैडम जी, साहब जी सच कह रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं जो तुम सोच रही हो, ये तो दारू पार्टी थी, थोड़ा सा इसमें जा रहे थे लिकड़ गए, इनके पैर में मोच आ गई, इन्होंने गोदी ठा ली। हम दोनों कसम खावे इस बात की, जो ये कह रहे सच कह रहे, इसमें झूठ ना है एक भी। राठी जी इस बात पे यकीन तो नहीं आ रहा, पर जब तुम सारे कह रहे हो तो यकीन कर लेती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज के बाद ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। हेलो। हाँ भाई जग्गू, भाई आज हमारी नकली दारू का टेम्पू पहुंच जाएगा, और तू अपने ठेके पे छक के दारू बेच, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई राजपाल। हाँ भाई जी। तन्ने अपने आदमी भेज दिए नहीं वहाँ? भाई जी एक घंटे बाद पहुंच जाएंगे फैक्ट्री में। चलो ठीक है। Thank you.
आओ दरोगा जी आओ, बताओ थारी क्या सेवा करी जा। अरे भाई विक्की, दरोगा जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जी भैया जी। ब्रजपाल, मैं यहाँ तेरी चाय पानी पीने ना आया हूँ, मैं तुझे वार्निंग देने आया हूँ। की बात है दरोगा जी, 1,00,000 रुपए लेके भी इतनी कड़वी भाषा बोल रहे हो। तू क्या समझ रहा था, कागज के कुछ टुकड़ों से तू मेरा ईमान खरीद ले होगा? यू के मजाक कर रहे हो दरोगा जी, आपकी मेरी तो दोस्ती होगी थी, फिर यू अब क्या हो गया? जैसे सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, ऐसे ही पुलिस और अपराधी की दोस्ती नहीं हो सकती। नकली शराब बेचना तो दूर, तू इस धंधे के बारे में सोच भी मत लिए। दरोगा जी, मैं तेरे इन तेवरों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं जिस काम की ठान लेता हूँ ना, उसे करके रहता हूँ। ठीक है, तेरा चैलेंज मुझे कबूल है, तू एक बार नकली दारू का धंधा शुरू तो कर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दरोगा, ओए, मेरा नाम है सुनील लाठी, तेरे जैसों को चूतड़ों में दे दूँ मैं लाठी, समझ गया? दीवान जी, मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, नहीं तो मेरी जल्लादी बीवी मेरी गर्दन मरोड़ देगी। क्यों, के गड़बड़ कर दी थी ना उसकी गैल, जो तेरी गर्दन मरोड़ देगी। अरे शेख चिल्ली, तू क्या लेना आया चौकी में? जनाब, मेरी सब्बो के सर पे खून सवार है, उसने बिना मतलब की मुझे पीटा, मुझे जमीन पे घसीटा, तुम जल्दी से अपने सिपाही भेज के उसे गिरफ्तार करवा लो। अरे तेरे लोग आए तो घनी डेंजर है भाई। हाजी हाजी। ऐसी औरत पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। बुद्धराम। यस सर। होशियार चंद, तुम दोनों इसकी गैल जाओ और इसकी बहू को गिरफ्तार करके लाओ। हरामखोर, तू क्या सोच रहा, ये पुलिस वाले तुझे बचा लेंगे और तेरा पिछवाड़ा ही तोड़ दूंगा। अरे बस बस बस, करेगा तंग मुझे। अरे फिर से मार दिया। रुको, पकड़ो शांति जी, पकड़ो इसे। क्या कर रही हो, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। छोड़ूंगी नहीं, चुप, बिल्कुल चुप, छोड़ो इसे, बैठो यहाँ पे, शांति से बैठो। क्यों पिल्ले की झाड़ कुकू कर रहा है, यहाँ मर जा, यहाँ बैठ जा। दरोगा जी, मुझे इस जल्लादी से बचा लो, नहीं तो मैं ट्रक के नीचे आके खुदकुशी कर लूंगा। दरोगा जी के तेरे मामू लगते हैं जो तुझे बचा लेंगे, तू घर चल, तुझे घर जाके देखते हैं, तेरा कचुम्बर बनाते हूँ। अरे बहन जी, इतनी पिटाई तो पुलिस भी नहीं करती जितनी पिटाई आपने उस बिचारे की कर दी। मैडम, तुम दोनों में झगड़ा क्या है, न्यू बताओ। दरोगा जी, हमारे 6 बच्चे हैं, ये कम मखत मारा 7वें बच्चे क्यों कह रहा है? हैं? 6 बच्चे कहाँ हैं? मदरसा में पढ़ने गए हैं, ये और बच्चों की पैदा करने कह रहा, मैं मना कर रही हूँ, तो 3 तलाक देने की धमकी दे मुझे। अरे शेख चिल्ली, तू तो बड़ा लुच्चा आदमी है भाई, तन्ने इस मासूम औरत पे इतना जुलम ढा रखा, तेरी तो फिटनेस करनी पड़ेगी। जनाब आली, ये झूठ बोल रही है साली। खामोश, कौन मुजरिम है कौन मासूम, तू पुलिस से ज्यादा जाना है। अरे बुद्धराम। जी सर। होशियार चंद। हाँ जी। इसे पेड़ के दौरे ले जाके खुराक दो। चल भाई खड़ा हो, मामर। अरे शांति, मैडम के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। ठीक है सर, मैं आती हूँ। मैडम, तुम यहाँ बैठो आराम से, ठीक है? इस निकम्मे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा साहब जी, इसे आज सुधार ही दो। मेरा नाम है सुनील लाठी, इसके जैसों का मन ने बहुत दे रखी गोड़ा लाठी, अगर तुम कहो तो मैं इसके ऊपर 10-5 खतरनाक झूठे मुकदमे लगवा दूँ। ना जी ना, झूठे मुकदमे मत लगाओ, थोड़ी सी इसकी मरम्मत कर दो बस साहब जी। लो जी लो मैडम, आपका नाश्ता। तुम आराम से नाश्ता करो, वहाँ उसे मेरे जवान खुराक दे रहे हैं। दरोगा जी, बतेरी खुराक मिल गई, अब शेख जी को छुड़वा दो। छोड़ दो रे जवान नो इसे। साले मैडम की सिफारिश पे छोड़ रहा हूँ,
आज के बाद इन्हें परेशान मत करिए, ना तेरा एनकाउंटर करवा दूंगा। होशियार चंद, ये फाइल सीओ साहब के यहाँ पहुँचानी है। अभी? हाँ अभी। ठीक है। अरे साला कल्लू क्यों शोर मचा रहा, देख का उसे यहाँ ले गाओ। कैसा शोर मचा रहा है? हाँ भाई कल्लू, ये बता प्रधान जी की भैंस का कटड़ा तूने ही चुराया था? साहब मैं कदी कदी कटड़ा चुरा लेता हूँ, पर प्रधान जी का कटड़ा मन्ने नहीं चुराया। अरे खसम बता दे, प्रधान जी बेचारा घना परेशान हो रहा, उसकी भैंस बिना कटड़े के दूध ना दे रही। ना साहब ना, प्रधान जी की भैंस का कटड़ा मन्ने नहीं चुराया। दरोगा जी मेरा तजर्बा यू कह रहा है, यू लाठी का यार है, बिना इसके लड़ चढ़ाए बतावे नहीं। तू ठीक कह रहा है, दे सो खुराक। अब कन में लिए गोड्डी ढा। गोड्डी ढबा के करोगे मेरी गैल? तेरा इंजन स्टार्ट करूंगा, चल गोड्डी ढा। कर कबूल, प्रधान जी का कटड़ा तन नहीं चुराया। मर गया। हाँ जी मैंने नहीं चुराए, प्रधान जी का ही के। मैंने तो इस गांव में जितने भी गधे घोड़े भैंस झोटे मुर्गी मुर्गे सब मैंने ही चुराए, मैं ही सबसे बड़ा चोर हूँ। दरोगा जी मुबारक हो, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूल कैसे न करता, पुलिस की मार के आ गया तो गुंगे भी बोलने लगे। अब तुम इसका चलान काटो और इसे जेल भेजो। ठीक है। माई बाप मेरे आगे पीछे तो कोई भी ना है, मेरी जमानत कौन करवाएगा? अरे हाँ यार, जब तेरी कोई जमानत ही ना करवावे तो तुझे जेल भेज के क्या फायदा, थाली पड़े सरकारी रोटी तोड़ेगा। तो मैं अपने घर जाऊं दरोगा जी? साले टाइम से पहले निकल जा, आज के बाद किसी का कटड़ा तो कटड़ा, किसी का पटड़ा भी मत चुरा लिए। ना तो मेरा नाम है सुनील राठी, तेरे जैसे लफोंगों का मन ने बहुत दी चूतलों में लाठी। हाँ भाई राजपाल। हाँ भाई जी, हमने प्लान अब थोड़ा चेंज कर दिया है, नकली शराब की तस्करी हम दिन में नहीं रात को करेंगे। ऐसा क्यों भाई जी, कोई खतरा है के? भाई थाने के SHO को किसी ने हमारी तस्करी की मुखबरी दे दी, और ऊपर से चौकी का दरोगा भी तस्करी ना करने की धमकी दे के गया, तो इसलिए हमें अपना काम सावधानी से करना पड़ेगा। भैया जी पुलिस की तरह हंगा लगा लियो, मारे दोनों के होते हुए मारी नकली दारू का टम्पू पकड़ नहीं पाओगी। अरे भाई मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा धंधा सावधानी मांगता है, क्योंकि पुलिस सारा दिन हमारी शराब पकड़ने को कुत्ते की ढाल मारी मारी फिरेगी, और जब पुलिस थक के बैठ जाओगी तो रात के अंधेरे में अपना काम फतेह कर देंगे। बिल्कुल ठीक समझ गया तू, एक बार हमारा दारू का माला जान दे और फिर मैं उस हराम खोर दरोगा को दगा देने का मजा चखाऊंगा। अरे यार रात बहू ने मूली के परांठे खुआ दिए, साली जब से गैस बन रही है। अरे शांति तेरे पास कोई गैस का कैप्सूल है क्या? नहीं सर, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा तो डाइजेशन अच्छा है। अरे सर जी, सर आपकी गैस तो बड़ी जहरीली है, मुझे तो चक्कर आ गए। अरे तब मेरी गैस का चक्कर छोड़ो और मेरी बहादुरी के किस्से सुनो। तुमने भक्ति कपूर गैंग का नाम तो सुना ही होगा। यू शक्ति कपूर का छोटा भैया है के? अरे नहीं, अरे छोटा भाई ना है, भक्ति कपूर शक्ति कपूर की मामा की भाभी का भैया है, उस हिसाब से उस शक्ति कपूर का सड़ा लगा। एक दिन उसने एक बुढ़िया की ओढ़ को आंख मार दी, फिर वो भाग गया, मैं उसके पीछे भाग गया। फिर क्या हुआ सर? फिर वो आगे मैं पीछे, मैं आगे वो पीछे, भागम भाग लगी रही।
फिर क्या हुआ सर? भागते भागते हम दोनों एक जगह जाकर थक के गिर पड़े। अच्छा फिर क्या हुआ सर? फिर हम दोनों उठे, उठ के हम एक दुकान पे गए, हमने वहाँ जाकर ठंडा पिया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद फिर हमारी भगदौड़ चालू होगी। फिर भागते रहे, फिर हम झुंडपुर से सीधा रोहतक पहुँच गए। फिर मैंने उसे वहाँ जाके अरेस्ट करा। सर यू बात मेरे कुछ हजम नहीं हुई। साले जब तेरा हजमा खराब है उसमें मैं क्या करूँ, हजमे का चूरण खाएकर। अरे किसका फोन आ गया? अरे यू तो मेरी जान का फोन है। हाँ सविता बोल। राजी जी मेरा जन्मदिन याद है ना, शाम को टाइम से घर आ जाना। अरे शाम किसने देखी है, मैं तो अभी एक घंटे पे चालू हूँ मेरी जान। बाय। अच्छा ठीक है ओके। अब तो मेरी बहादुरी का एक किस्सा और सुनो। अरे सुखपाल जी। मैम मैं किसको कॉल करने वाली थी? मैम डूंगरपुर चौक इंचार्ज को। अच्छा हाँ ओके। अच्छा तुम एक काम करो, गाड़ी पे कपड़ा मारो और लेकर आओ, हमें रेड पे चलना है। ओके मैम। अरे सविता की बच्ची, जब मैंने तुझे कह दिया आ जाऊंगा टाइम पे, क्यों परेशान कर रही है? अब स्टाम्प पेपर पे लिख के दू। स्टॉप इट इडियट नॉनसेंस, तुम्हें किस बेवकूफ ने दरोगा बना दिया है? सॉरी सर, जैन सर। सर मैं आपकी आवाज पहचान नहीं पाया था। ऑर्डर सर। मुझे एक गुप्त सूचना मिली है, आज एक नकली शराब का टेम्पो डूंगरपुर में तस्करी किए जाने वाला है, तुम्हें हर हाल में वो टेम्पो पकड़ना है। ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, मैं नकली शराब का टेम्पो पकड़ लूंगा। आप मुझे ये बता दो वो कहाँ और किस टाइम आएगा। इडियट, तुम दरोगा नहीं चपरासी बनने के लायक हो। बेवकूफ इंसान, अगर सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी तो तुम क्या करोगे? ठीक है सर, ओके सर। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे हर हाल में वो तस्करी की नकली शराब कानून के कब्जे में चाहिए, वरना तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। क्या हुआ जनाब, कैसे हो गया आपका मूड खराब? केड़ा प्रेशर आ गया सर, लैटिन में पानी का डिब्बा धर दूं? ओ कल के कोल्लू, वो वाला प्रेशर ना आयू, एसएचओ साहब का ऊपर से प्रेशर आ गया, हमें आज छापा मार के दारू के तस्कर पकड़ने हैं, नहीं तो एसएचओ मैडम मेरी रेल बना देगी। चलो खड़े हो। दरोगा जी मैं भी चलूं छापा मारी करने? हाँ तू भी मारी गैल चल, इस चौक क्यों खाली छोड़ दो, जो गए चोर उचक का आवे ये हमारे ताम झाम लेकर चला जा। चलो यार होशियार चंद, साली सांझ होगी पर टेम्पू दिखाई नहीं दिया, गया तो कहां गया? अजी यू ही तो अफसोस मुझे हो रहा, यू दारू का टेम्पू साला गया तो गया कहां? अजी मैं बताऊं वो कहां गया? कहां गया? जहां उसे जाना था वहीं गया। अरे यार यू भी सदा गधों वाली बात करे। अरे यार आज मेरी घरवाली का जन्मदिन और 20 मिस कॉल आ ली, देखिए जी आज मेरी गल क्यों हुआ। Video.